हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है द एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस ऑन स्ट्रेस सिस्टम आज सुन इन द फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे उसका डायग्राम दिया हुआ है, उसका वो किस तरह उसको फोर्स है उसका इसका डायरेक्शन दिया हुआ है ना। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अंदर की तरह आ रहा है फोर्स, इसका 10 MPa है ना, इसका 10 MPa, इसका जो टेंसाइल फोर्स है ना, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स से अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये आपका टेंसाइल फोर्स है जो कि 20 MPa का है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है जो कि 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू कॉस 2 थीटा प्लस टाई एक्स वाई साइन 2 थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये वाला आपका एक्स डायरेक्शन होगा और ये वाला आपका वाई डायरेक्शन होगा है ना। तो यहाँ पे जो सिग्मा एक्स है आपका ये 20 है ना, 20 है। सिग्मा वाई जो है आपका क्या होगा ना, आपका 10 MPa है ना। तो यहाँ पे जो टेंसाइल फोर्स है तो इसके लिए आपका ये प्लस पे जाएगा, लेकिन आपका जो कॉम्प्रेसिव है ना, इसलिए आपका ये माइनस पे जाएगा है ना। ये वाला जो दिया हुआ है ना, ये वाला आपको टाई एक्स वाई पे जाएगा है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सिग्मा एक्स 20 हम लिखेंगे 20 अन प्लस यहाँ पे 10 MPa है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे है ना। यहाँ पे आपका प्लस है, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्रेसिव फोर्स पर रहे इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाए बाय टू, यहाँ पे हम किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं है ना, फिर आपका प्लस आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला जिस तरह है सिग्मा एक्स 20 है ना, माइनस दिया हुआ हो यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा जो कि सिग्मा वाई है 10 है ना, सिग्मा वाई 10। तो यहाँ पे हम किए हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 20 MPa प्लस 10 MPa बाय टू, यहाँ पे कॉस 2 थीटा है ना प्लस टाई एक्स वाई साइन 2 थीटा है। तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा ना, कॉस गिरेगा एंड 2 थीटा जो है ये एंगल है, तो ये 60 × 2 हो जाएगा है ना, जो कि कॉस 120 हो जाएगा। प्लस जो ये वाला टाई है आपका 5 MPa है एंड यहाँ पे साइन 2 थीटा जो कि 120 हो जाएगा है ना। ये वाला ये ख़त्म हो गया। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ए हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 5 MPa प्लस 15 MPa जो कि कॉस 120 प्लस 5 MPa साइन 120। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ए हो जाएगा 1.83 MPa। इसका अभी हम निकालेंगे शियर स्ट्रेस इन द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल। तो इसका फॉर्मूला है टाई थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है ना बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस टाई एक्स वाई कॉस 2 थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को लेकर हम अभी इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि सिग्मा एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स आपका 20 है ना, सिग्मा एक्स आपका यहाँ पे 20 है, यहाँ पे माइनस माइनस है, लेकिन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्मा वाई आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा साइन 120 हो जाएगा जो कि यहाँ पे 60 था, तो वो 120 हो जाएगा 2 है इसलिए, फिर माइनस यहाँ पे देख सकते हैं 5 है ना, 5 है, फिर 5 MPa हो जाएगा एंड कॉस 120। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 MPa इंटू साइन 120 माइनस 5 MPa कॉस 120। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो ए हो जाएगा 15.49 है ना। लेकिन ए हो जाने के बाद हमें इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है रिजल्टेंट स्टेट है ना। रिजल्टेंट स्टेट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है जो कि सिग्मा आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सिग्मा होल स्क्वायर बाय टाई थीटा होल स्क्वायर है ना। जैसे कि हम यहाँ पे पहले से हम निकाल चुके हैं जो कि सीखे फॉर्मूला यहाँ पे गिरा दिए, हम यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा थीटा स्क्वायर, तो सिग्मा का निकला है 1.83 है ना, यहाँ पे 1.83 एंड टाई थीटा होल स्क्वायर का निकला है 15.49
तो ये कैलकुलेट होने के बाद ये हो जाएगा 15.59 है ना। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इसको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है ना, 10 बाय इक्वल टू टाय थीटा बाय सिग्मा थीटा। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये होगा बाय इक्वल टू 10 टूथ वन माइनस वन। तो ये आ जाएगा हमारा 15.59 बाय ये हमारा आ जाएगा 1.83 है ना। तो इसका कैलकुलेट करने से निकलेगा 8.46। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो कैलकुलेशन था वो निकल चुका है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग की बात और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।